नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। कर्नाटक में इस वक्त वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान तभी देखिए जितने भी वीवीआईपी सीट्स हैं, वीआईपी सीट्स हैं, वहां पर भी वोटिंग हो रही है और जो वीआईपीज हैं वो अपना वोट डालकर आ रहे हैं। इन्फोसिस के जो मालिक है कृष्णा मूर्ति, सुधा मूर्ति, वो भी आए थे। एच डी कुमार स्वामी देखिए वहां पर पहुंचे थे, जगदीश शेट्टी पहुंचे थे और साथ ही साथ देखिए सीएम जो इस वक्त बीजेपी के सीएम है सीएम बसवराज बोम्मई, वो भी देखिए चुनाव में अपने वोट डालने पहुंच चुके थे। सबने वोट डाल दिया है। जनता से आग्रह भी कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके जनता निकले अपने घरों से और वोट का प्रयोग करे, अपने अधिकार का प्रयोग करे। अब इस बीच देखिए कांग्रेस के नेता जगदीश शेट्टार का देखिए यहाँ पर बयान आया। वोट डालने के बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और खतरा बताया, अपने आपको अपनी जान का खतरा बताया एक तरह से इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो। देखिए क्या कुछ बोला है। देखिए जब वो वोट डाल के आए तो उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और एक दावा ठोक दिया। पहले दावे की बात करता हूँ, दावा ये ठोका उन्होंने कि हम 150 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, मतलब कांग्रेस जो है कर्नाटक में वो 150 से ज्यादा सीटें जीत रही है। और देखिए उन्होंने खतरा किससे बताया, उन्होंने ये बोला कि हम जब जीत रहे हैं तो बीजेपी को ये जीत जो है वो रास नहीं आ रही है और मुझ पर देखिए वो खतरा यानी कि हमला कर रही है जिससे मुझे खतरा है। ये साफ साफ देखिए जगदीश शेट्टार ने बोल दिया है जो कि सीएम कैंडिडेट है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जगदीश शेट्टार के इस बयान से जो बीजेपी है वो क्या ताल्लुक रखती है, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो हमलावर हो रहे थे एक दूसरे में, उसमें इलेक्शन कमीशन बीच में कूद गया था। जब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई थी, कांग्रेस के अध्यक्ष पर टिप्पणी की गई थी, तो उसमें इलेक्शन कमीशन बीच में उतरा और उन दोनों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों को देखिए फटकार लगाई थी, जिससे दोनों दल जो थे वो एक दूसरे पर टिप्पणी करने से थोड़ा सा पीछे हट गए थे। लेकिन अब जब ये पूरा मामला हुआ है, जब जगदीश शेट्टार ने अपनी जान को खतरा बता दिया है, अब देखने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या एक्शन लेता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।